नमस्कार, अखाड़ा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शैलेन। तुम डाल डाल तो हम पात पात। कांग्रेस ने सियासी करवट ली और पुराने ढर्रे को छोड़कर बड़े नेता मंदिरों के चक्कर काटने लगे तो बीजेपी अलर्ट मोड पर आ गई। चुनाव आते ही विकास और बुनियादी सुविधाओं की बातें दरकिनार कर धर्म और हिंदुत्व का मुद्दा हिलोरे लेने लगा। अपनी विचारधारा पर आस्था और रिवाजों की परत चढ़ाकर पॉलिटिकल एम्बिशन को परवान तक पहुंचाने की कोशिशें भी तेज हो गईं। अभी तक हिंदुत्व के मुद्दे को बीजेपी चुनाव में भुनाती आई है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर स्ट्रेटजी बनाई, बीजेपी के हिंदुत्व के चेहरे हमलावर हो गए। सीएम योगी ने राहुल गांधी के मंदिर परिक्रमा पर प्रश्न उठा दिया और ऐसे में सवाल उठता यह है कि आखिर जरूरी मुद्दों को छोड़कर धर्म, मंदिर और हिंदुत्व पर निशाना क्यों? क्या सीएम योगी के हिंदुत्ववादी चेहरे को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का जवाब हिंदुत्ववादी चेहरों के जरिए देने के लिए खुद योगी हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने लगे हैं? राहुल गांधी जैसे वे घुटनों के बल बैठे तो पुजारी को बोलना पड़ा कि भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि जैसे ही सियासी गर्माहट बढ़ती है वैसे ही हिंदुत्व का मामला भी गर्म होने लगता है? इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस अखाड़ा में और हमारे बीच तमाम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कुमार अशोक जी हैं, नेता बीजेपी हैं। रतन सिंह जी हैं, प्रवक्ता सपा। ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हमारे साथ हैं। पीयूष मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। और डॉक्टर मनोज पांडे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आखिर राजनीति में इस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा अचानक क्यों हवा पाने लगता है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से योगी मध्य प्रदेश के चुनावी समर में जाकर राहुल गांधी पर हमलावर हुए, किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की मंदिर परिक्रमा पर सवाल उठाया, सबसे पहले यह आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी आपके मध्य प्रदेश में आए होंगे, पता नहीं यहां पर मंदिरों में गए कि नहीं गए दर्शन करने के लिए। लेकिन जब मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे घुटनों के बल बैठे तो पुजारी को बोलना पड़ा कि भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। मंदिर में पालकी मार करके बैठा जाता है। ये घुटनों के बल बैठ करके यहां नमाज पढ़ने के लिए मंदिर में नहीं बैठते। तो राष्ट्रीय राजनीति में जैसे ही योगी की डिमांड बढ़ी है, योगी के निशाने भी बदलते रहे। अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में दमखम दिखाने वाले योगी अब राहुल गांधी पर जिस तरह से हमलावर हुए हैं, उसके बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब अपनी डिबेट के जरिए हम तलाशने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कांग्रेस से करेंगे। ब्रिजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिजेंद्र जी, बीजेपी का प्रश्न है लेकिन जवाब आपसे चाहते हैं कि जब मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा है, आदिवासियों का मुद्दा है, तो आखिर चुनाव में जाकर राहुल की मंदिर परिक्रमा पर सवाल क्यों, वो भी योगी के द्वारा? ऐसा है कि पिछले 4.5 वर्षों में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं, वो ढेला फेंक राजनीति कर रहे हैं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, कोई कुछ चीज़ें हो नहीं रही जमीन पर। तो अब जब सुपड़ा साफ होने जा रहा है 5 राज्यों के चुनाव में, तब एकमात्र जो सबसे सेंसिटिव चीज होती है धर्म, उसको पकड़ रहे हैं। लेकिन यही आदित्यनाथ जी हमारे कर्नाटका गए थे, वहाँ आज हमारी सरकार चल रही है, बहुत स्टेबल। अभी उपचुनाव हुआ है, 5 में से 4 सीटें हम लोग जीत गए जी। अब इनकी सीटें हमने 2.5 लाख वोट से छीन ली है, जो इनके पास सीटें थी एमपी की। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जा करके बोल रहे हैं जी, उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि वो पुजारी ने कहा कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा बैठा जाता है जी, यहाँ पूजा नहीं, नमाज नहीं। अरे उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि उनसे बड़े हिंदू और उनसे बड़े उच्च कोट के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार के श्री राहुल गांधी जी। उनको किसी ढोंगी से करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि पूजा कैसे की जाती है। और वो तो खुद अपने गरिमा को तार तार कर रहे हैं। वो जिस पीठ के महंत रहे हैं जी, वहां उज्जैन के महाराज भरतहरि जहां वो भाषण कर रहे हैं, राज्य छोड़कर के योगी बने थे, और वो तो योग छोड़कर के राजसुख लूट रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं।
एक शोभा नहीं देता है उनके अपने नाम के सामने से योगी योगी लिखना बंद करना चाहिए। अशोक जी आप बताइए, जिस तरह से प्रपंच करने वाला आदमी योग योग शब्द का प्रयोग करे अपने नाम के आगे, तो इससे बड़ा अपमान हिंदुत्व का हो ही नहीं सकता। अशोक जी कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर जमीनी काम नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं डर सता रहा उपचुनाव के जिस तरह से रिजल्ट आए हैं उसके बाद, अब यहाँ पर हिंदुत्व को मुद्दा बनाया जा रहा है, इसीलिए योगी बार बार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए कांग्रेस सदा धर्म और जात की राजनीति करती रही है। आजादी के बाद अगर आप व्यवस्था को देखिए तो पूरे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो अंग्रेजों ने एक कार्य दिया कि देश को बांटो, हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए किया। यही आरोप तो कांग्रेस भी आप पर लगाती है ना। कांग्रेस का तो इतिहास है ना, 60 सालों में उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। अगर विकास किया होता आज हमारे बीच में भाजपा के भी प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी बताएंगे कि अगर किया होता तो आज पिछला क्यों होता। आज हिंदुओं को बांटने का काम, देश को बांटने का काम कांग्रेस ने किया। जहां तक राहुल गांधी किसी भी तरह से हिंदुओं पर विश्वास नहीं करते और ना ही वो हिंदुओं को विश्वास में लेते हैं जी। अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता, मैं खुद उनको याद दिलाना चाहूंगा कि मुस्लिम पिता ईसाई माता बेटा फिर भी हिंदू कहलाता, और ये राज की बात बता दें कि मंदिर जा ब्राह्मण बन जाता, ये कैसे हो जाता है। हमारे पंडित जी पढ़े लिखे होते तो जानते हैं कि कौन मुस्लिम था। नेहरू परिवार में सिंगल आदमी नाम बताइए मुसलिम। कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना है, असुरक्षा की भावना है बीजेपी। आपने बहुत आपत्तिजनक बात कही, सिंगल बताइए नाम कौन मुसलमान है नेहरू परिवार में, उनके जो सिंगल नाम बताइए ना। नाम बता तो रहा हूँ, बताओ ना कौन। इंदिरा जी ने शादी किससे की थी, वही ना उस लड़ाई में जा रहे हो। फिरोज गांधी पारसी थे, आप हिंदू संस्कृति को नहीं जानते। पुराने ने गांधी जी टाटा पारसी सबसे यहाँ तक की इनकी शादी भी समाज में आते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है, आपको ये भी नहीं मालूम है कि वहाँ ये हिंदुओं भारतीय जनता पार्टी अशोक जी नमाज पढ़ने की जुगत कर रहे थे। चार दिन पहले राहुल गांधी ने कहा ये कांग्रेस मुस्लिमों की परिवार है। अशोक जी उन्होंने अशोक जी परिवार और पीड़ित नहीं, अशोक जी परिवार और पीड़ित सवाल परिवार कर रहे हैं। नहीं नहीं अशोक जी कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का नैतिक पतन है कि सबका समाज सबका साथ सबका विकास की धारा करने वाली पार्टी नमाज की मुद्रा में सबका करेक्टर सर्टिफिकेट बना रही है, नमाज पढ़ने का रिलीजन सर्टिफिकेट बना रही है। नहीं ठीक है ठीक है, अशोक जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि परिवार और पीढ़ी की बात नहीं, विधानसभा के चुनाव के मुद्दों में मंदिर का मुद्दा क्यों, राहुल गांधी पर निशाना क्यों, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को क्यों नहीं जगह दी जा रही है। पंद्रह सालों में मंदिर के मुद्दे आपके लिए आपके लिए वहाँ पर तो स्थितियाँ भी उन्हीं का है। मध्य प्रदेश में पूछा गया है, ब्राह्मण घोटाला किया है, अभी आप यहाँ पर किसानों पर गोली चलवाई है, किसानों की हत्या किया तो बोलेंगे क्या। मंदिर के मुद्दे में बात करने नहीं आते, किसानों की हत्या के पाप से डरे हुए हैं। चलिए ठीक है पीयूष जी आप बताइए, पीयूष जी आपके साथ सरकार में सहयोगी है। अशोक जी एक मिनट, अशोक जी एक मिनट, पीयूष जी आप बताइए। नहीं पीयूष जी आपसे एक सवाल है, मेरी बात पूरी हो जाए। ठीक है आपकी बात हम समझ गए। नेताओं का धर्म अजमेर की चादर या इफ्तार तक, रोजा इफ्तार तक सीमित था। आज योगी आदित्यनाथ जी ने इस व्यवस्था को पैदा कर दिया कि अयोध्या में दिवाली क्या मना दी, हमने जो है मथुरा में फाग होली क्या खेल ली, कि अब सारे दल जो सेकुलरिज्म चिल्लाते थे सेकुलर होते थे वो आज हिंदू। लेकिन आपके सहयोगी भी तो आपकी भावनाओं पे सवाल उठा रहे हैं अशोक जी। भाजपा के पीयूष जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजभर जी तो खुले मन से कहकर आ रहे हैं कि यहाँ पर धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्रयागराज के लिए ज्यादा बजट दे रहे हैं और गरीब के गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए बजट नहीं आवंटित किया जा रहा। पीयूष जी आप बताइए आप क्या कहेंगे बताइए। शैलेंद्र जी देखिए कांग्रेस का इतिहास विश्वविदित है, उसमें कहना ना कहना सबको पता है कि कैसे कैसे फैमिली में कांग्रेस कैसे कैसे लोग रहे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। और रही बात भाजपा की, तो जब जब चुनाव नजदीक आते हैं भाजपा को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, अब उसी मुद्दे पे मुझे लग रहा है कांग्रेस भी चल पड़ी है कि मंदिर जाओ पूजा पाठ करो वोट को पोलराइज करो। तो सब यह एक वोट लेने का एक मुद्दा है जिसको आप चाहे मंदिर पे बांट लो मस्जिद पे ले लो, जहां आपको वोट मिले आप उन्हीं का गुणगान करने लगो जी। तो आप भी तो सरकार के सहयोगी, आपने भी तो अपनी समस्याएं रखी होंगी, राजभर तो कई बार खुले मन से कह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो क्या है जब बात होती है हक की, जब बात होती है राजभर बिंद केवट चौहान मल्लाह बासखोर की, सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने की बात होती है, 27% आरक्षण के वर्गीकरण की, भाई हम कोई नया आरक्षण तो मांग नहीं रहे हैं आपसे। आपने 2 घंटे विधानसभा में लेक्चर दिया, काफी खूब सारी बातें चर्चाएं हुई कि आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे। माननीय अमित शाह जी से जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जो 27% पिछड़ों का आरक्षण है उसमें अति दलित अति पिछड़ों का सवाल भागीदारी होगा, विकास के मुद्दों पर
चर्चा नहीं और ये मंदिर कर रहा क्यों रतन सिंह जी? रतन सिंह जी आप बताइए, चर्चा ना करके ये लोग मंदिर मस्जिद को बीच में ला रहे हैं। और उसी मुझे लग रहा है डर्रे पर कांग्रेस भी जाती दिखाई पड़ रही है। दोनों पार्टियों के अपने जो है पॉलिटिकल एजेंडे हैं और इसलिए बार बार जो हिंदुत्व का मुद्दा गर्मा जा रहा है। लेकिन रतन सिंह जी आप बताइए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं सियासी समीकरण बदल रहे हैं, महागठबंधन साकार होता नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर असुरक्षा है? कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल डेंजर दिख रहा है बीजेपी को, जिसलिए बार बार जो है स्थानीय मुद्दों को दरकिनार कर ये मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है और राहुल गांधी के तौर तरीकों पर सवाल उठाने से मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा? शैलेंद्र जी, इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि हिंदुत्व और सनातन की क्या परिभाषा गढ़ना चाहते हैं योगी जी। जी मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि वो भगवा पहनते हैं तो क्या वो नागाओं को हिंदू नहीं मानते? क्या नागाओं की जो पूजा पद्धति है, जो नग्न रहते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है, वो सनातन नहीं है? योगी जी भगवा पहनते हैं और वेजिटेरियन हैं जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो अवघड़ परंपरा के जो कि मनुष्यों का मांस भक्षण करने को भी वो साधना की पद्धति मानते हैं, तो क्या हमारे आदरणीय योगी जी उनको हिंदू नहीं मानते? उठने बैठने पूजा करने की जो अपनी जो तरीका है लोगों का, उस तरीके पर सवाल उठा करके ये सनातन धर्म के साथ अन्याय कर रहे हैं और सनातन परंपरा के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। शैलेंद्र जी मैं इस पर एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि देखिए ढोंगियों का जो काम होता है, एक बाबा जी थे, मुझे एक मिनट दे दीजिएगा, मंदिर में रोज भगवान को भोग लगाते थे, भोग लगा करके वो अपना प्रसाद ग्रहण कर लेते थे। एक दिन उनको अपने रिश्ते में जाना था तो उन्होंने एक चरवाहे से कह दिया कि बच्चा जरा इसको आप भोग लगा दीजिएगा और इसके बाद प्रसाद बांट दीजिएगा। चरवाहा जिसको पूजा पद्धति की कोई जानकारी नहीं थी, उसने दूसरे दिन पंडित जी के कहने से भोग भगवान के सामने रख दिया और भगवान से कहा इसको भोग खा लो भगवान। जब भगवान बहुत देर तक नहीं खाए तो उसने लाठी उठा ली और लाठी उठा के कहा कि अगर नहीं खाओगे तो भूख से मैं तड़प रहा हूं, मारूंगा, फट जाएगा सर तुम्हारा। भगवान अपने उस मूर्ति से निकले और उन्होंने सारा भोजन खा लिया। दूसरे दिन पंडित जी आए, उसने कहा भोग लगाए थे? कहे अरे भाई आपका भगवान तो बड़ा खतरनाक है, सारा थाली का भोजन ही खा गया और आज के बाद मुझे मत कहना कि भगवान को भोग लगाना। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर उसी जो चरवाहा भक्त था उसने उसी तरीके से भगवान को खिला दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व श्रद्धा और विश्वास का धर्म है, हिंदुत्व समर्पण का धर्म है, हिंदुत्व निष्काम कर्मयोग का धर्म है। जो ढोंगी बाबा योगी जी हैं, इनका हिंदुत्व के विनाश का रास्ता है। और भारतीय जनता पार्टी भारतीयता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कारों का सर्वनाश करने पर तुली हुई है। राहुल गांधी हो, चाहे रतन सेन सिंह हो, या कोई नेता हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उसका पूजा करने का अपना तरीका है। वो लेट करके पूजा करे, चाहे बिना भोजन जी, बिल्कुल आपकी बात हम समझ गए। अशोक जी आप बताइए, जिस तरह से भी सवाल यहाँ पे रखा जा रहा है, कर रहे हैं आप, ये रतन जी को पूरी बात की जानकारी नहीं है। वो पूरी डिबेट को लगता है समझ के ही नहीं आए हैं, ना वो डिबेट के आधार को समझ पाए। उन्होंने कहानी अच्छी सुनाई, सब लोग इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। लेकिन ये गलत उलझा कौन रहा है? अशोक जी सवाल तो यही है ना, क्या करिए, गलत उलझा कौन रहा है? गणित ये उलझा कौन रहा है? पूजा करने का जो तरीका है वो तरीका योगी जी लिख करके बता दें। कार्तिकों पे गोलियां चलवाना वाली पूजा कोई कर रहा है? ये हिंदुत्व के विनाश का रास्ता है और हिंदुओं का जो सहिष्णुता का रास्ता है उस पर कोई सवाल उठाएगा तो हम आज चलेंगे। अगर पूरी तरह से लोग देखें कि मोदी ने क्या दिया इस देश को, तो ये दिया है कि समाजवादी पार्टी जो कार्तिकों को गोली चलाती थी, मार देती थी। तो मोदी सरकार का कामकाज है ना, अभी सवाल यही है, मोदी सरकार ने अगर काम किया है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है काम का तो काम गिनाइए। प्रवीण तोगड़िया जैसे आदमी बोल रहे हैं, मंदिर का ही आदमी था, मंदिर की बात कर रहे हैं, सत्यनारायण की बात कर रहे हैं, तो सवाल यही है ना अशोक जी, और यही सवाल है हमारी आस्था का सवाल है। की बात करेगा हिंदू तो आपके हिंदू है की बात, हमारी आस्था का सवाल है, देश में राज करेगा यही भारतीय जनता पार्टी रावण के तरीके से काम करते हैं। जो आप में हिम्मत हो तो आपने क्यों नहीं प्रयास करेगा? नहीं ठीक है अशोक जी, अशोक जी आपके धार्मिक एजेंडे होंगे लेकिन उसमें आप राहुल गांधी को लपेट रहे हैं, उनके तौर तरीकों पर सवाल क्यों? विधानसभा चुनाव में राहुल जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रावण के रास्ते को चुनने का काम किया है, एक स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने के लिए। ठीक है रतन जी, रतन जी आपकी बात हम समझ गए आपकी बात, हमको ठीक है, एक बार इनकी बात भी सुन लेते हैं, इनकी भी सफाई सुन लेते हैं। इस देश की परंपरा रही है रतन जी कि जब भी कोई विषय हो
उस पर शास्त्रार्थ हो, यही हिंदुओं का पहली परंपरा रही है। आप जिस परंपरा को अपना रहे हैं वो वही मुस्लिम परंपरा है। अगर मैं आपके लिए कहूंगा तो शास्त्रार्थ में तर्कों को जगह दी। रतन जी एक मिनट, अशोक जी को जवाब दे लेने दीजिए, रतन जी आपकी बात हम समझ गए। ठीक है ठीक है, हम समझ गए। इस समय सपा भी कॉन्फिडेंट है मध्य प्रदेश में। ठीक है अशोक जी, आप ये बता दीजिए अशोक जी, ठीक है फिर पूछना चाहता हूं अशोक जी, आप हम समझ गए आपका सवाल। ठीक है, इनके चार आधार है वाल्मीकि, जो इनके चार आधार है उनको तो राम कहना भी नहीं आता था, चार आधार है, बाद में डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। नहीं, पुरानी कहानियां मत गिनाइए ना, पुरानी कहानियां मत गिनाइए। मध्य प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, व्यक्ति नहीं है। ठीक है, सवाल उठाना हिंदुत्व के साथ अन्याय है। ठीक है ब्रिजेंद्र जी, आप बताइए ब्रिजेंद्र जी, ठीक है आप लोग की बात सुन ली। ठीक है, एक से ठीक है अशोक जी आपकी बात हमने सुन ली। ठीक है, भ्रष्टाचार और चौथा दुष्प्रचार। अशोक जी आपकी बात आ गई, ठीक है हम आपको फिर मौका देंगे। ब्रिजेंद्र जी आप बताइए ये, ठीक है रतन जी आपकी बात आ गई, एक बार ब्रिजेंद्र जी को भी मौका दीजिए। को नहीं मानते जो राम का नाम लेकर के वाल्मीकि बन जाता है, रतन से जी एक बात बता रहे हैं। एक बार इनको ब्रिजेंद्र जी को भी बात रख लेने दीजिए, एक बार मैं ऐड कर दूं फिर उससे साबित हो जाएगा कि हिंदुत्व को कौन ठीक से जानता है। जी बताइए, हम बहुत छोटे हिंदू हैं लेकिन हम और हमारी पत्नी दोनों लोग नवरात्र के 9 दिन व्रत रहते हैं। हमारे ढोंगी मुख्यमंत्री जी कलश स्थापना करने गए थे गोरखपुर में। नहीं इस तरह के, इस तरह की टिप्पणी नहीं, किसी के निजी मामले नहीं, आप ये बताइए बस। ब्रिजेंद्र जी एक चीज बताइए बस, आप बस ये बताइए कि चुनाव में ब्रिजेंद्र जी के ऊपर इस तरह की बात आपके लिए होंगे, भगवान आपके होंगे, जो मैं कह रहा हूँ आपको बात सुनिए। सवाल तो यही है ना, किसी के आचरण पे सवाल क्यों? हमारी बात आने आचरण पे सवाल क्यों? सवाल तो यही है, ठीक है अशोक जी ब्रिजेंद्र जी, ठीक है हम समझ गए। ठीक है मनोज जी आप बताइए, मनोज जी ठीक है, ठीक है हम समझ गए मनोज जी ठीक है चलिए, ठीक है ठीक है हम समझ रहे हैं। ठीक है कि नवरात के दिन कन्याकुमारी में लड़कियों को भेजा हुआ आपने, किस तरह के पर्सनल आचरण पर सवाल क्यों? सवाल यही है सुनिए, आपस में ऐसे गुत्थी बनाने से क्या होगा? शांत हो जाइए, ठीक है चलिए शांत हो जाइए, ठीक हम समझ गए। ठीक नहीं, डिबेट में जो हम क्रिश्चियनिटी को अशोक जी डिबेट में हम जो सार निकालना चाहते उसमें तो रहिए, क्या बोलेंगे? एक मिनट आप शांत हो जाइए, ठीक है मनोज जी, ठीक है मैं कह रहा हूँ किसी की भावनाओं से हमको क्या लेना देना, पर्सनल कहती है मुद्दे पे रहिए। अशोक जी पटना कैंट में जा रही है, राहुल गांधी ये भी नहीं कह सकते आप पटना कैंट में कहा गए, आप आदित्यनाथ जी के बारे में हिंदुत्व के बारे में कुछ बोलना चाहते हो बताइए उसके बारे में। अशोक जी ठीक है हम समझ गए, कहती है कि मैं हाफ हिंदू, ठीक है आपका एजेंडा है, ठीक है आप हिंदुत्ववादी, आप हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ है, मजबूती के साथ हम मानते हैं, ठीक है वो कम से कम साथ मनोज जी है क्या? ठीक है राहुल गांधी पहले ही आपकी बात आ गई, अशोक जी आपकी बात आ गई, एक बार मनोज जी को भी मौका दे दीजिए। मनोज जी एक बार मनोज जी को भी मौका दे दीजिए, एक बार स्वतंत्रता पूर्वक किसी को बोल तो लेने दीजिए। मनोज जी आप बताइए, जिस तरह से हमने देखा है कि छवि बन चुकी है
सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी चेहरा क्या कौन माना जाए? इसी को चेहरा, इसी को जो नवरात्रि में लड़कियों को बलवाटा एक बार चलाओ, एक बार कौन सा हिंदुत्ववादी चेहरा? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, वो हिंदू में आपकी बात, आपकी बात आ जाएगी, बात ठीक है, साफ कहा था आज वही इनके प्रवक्ता कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा था कि राहुल गांधी ने, मैंने कहा है राहुल गांधी आपने बोला ठीक है कि मंदिर के लड़कियां सेंध जाते हैं और ये भी कह रहे हैं एक मिनट, एक मिनट मनोज जी ठीक है, ठीक है ठीक है, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है आपका क्या है, कौन से हिंदुत्व के परिभाषा आता है, ठीक है ठीक है ढोंगी है, ठीक है ठीक है, अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या नहीं अशोक जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हेडलाइन बता दिया हमें, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, अभी कई सवाल बाकी हैं और सियासी युद्ध में आखिर क्यों योगी इस तरह से राहुल पर हमलावर हुए इसका जवाब ढूंढेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। राहुल गांधी जैसे वे घुटनों के बल बैठे तो पुजारी को बोलना पड़ा कि भैया ये मंदिर है मस्जिद नहीं है। तो सवाल यही है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सीएम योगी हमलावर हुए हैं, हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी की तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कर्नाटक, केरल, नॉर्थ ईस्ट के चाहे इलेक्शन हम उठा के देख लें, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा सीएम योगी को, खासतौर पर हिंदुत्ववादी मुद्दों पर, क्या कुछ मंशा यहाँ पर बीजेपी की दिख रही है और आखिर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों जब सारा कुछ ग्राउंड लेवल पर अच्छा दिख रहा है बीजेपी के लिहाज से? तब भी देखिए, पहली बात तो बड़ा स्पष्ट कर लिया जाए, जो राजनीति है और राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल का अपना एक एजेंडा होता है, एक मोटो होता है और उसी मोटो के अनुसार वो कार्य करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, सबके अपने अपने राजनीतिक एजेंडे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी तो क्या माना जी इस राजनीतिक एजेंडे में लिटमस टेस्ट है योगी का, उनका हिंदुत्ववादी चेहरे का 2019 में उनको परखा जाएगा? देखिए प्रश्न ये है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने चीजों को आजमाते रहते हैं, कांग्रेस भी हमेशा और हमारा संविधान भी हमेशा सेकुलरिज्म की बात करता रहा है, कांग्रेस हमेशा और बाकी राजनीतिक दल सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी सेकुलरिज्म की बात करती है, लेकिन वो एक ऐसे चेहरे के साथ, एक ऐसे मुद्दे के साथ बात करती है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, राष्ट्र है और हिंदुत्व राष्ट्रवाद है। अब उसकी परिभाषा तो इतनी बड़ी है कि परिभाषाओं से परिभाषित तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न ये है कि जो राजनीतिक दल होते हैं अगर वो, मनोज जी सवाल ये भी है कि जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाता है, हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद जाके स्थानीय मुद्दों को तुलना देना, इस तरह के मुद्दों को बढ़ावा देना, ये किस तरह का संकेत दे रहा है? देखिए ये संकेत तो अलग प्रश्न है, प्रश्न ये है कि राजनीति में, अब देखिए राजनीति में 70 सालों में एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई, अब राजनीति कोई सेवा का धर्म नहीं रहा, राजनीति सत्ता का विषय वस्तु हो गया और कोई भी राजनीतिक दल अब सत्ता खोना या सत्ता नहीं पाया है तो पाना चाहता है, तो इसके लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अगर मोदी जी या योगी जी या कांग्रेस या दूसरे दल, अब आप कांग्रेस को ही देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी जी भी अब मंदिरों की बात कर रहे हैं, तो हिंदू जैसे अब लगने लगा है कि फिर अगर एक मुद्दा चल रहा है हम उस मुद्दे में कहीं पिछड़ गए और पता चला दूसरा राजनीतिक दल आगे निकल गया, तो ये भी तो एक राजनीतिक रूप से विफलता हो जाएगी। इसलिए राजनीति में अब बहुत सारी चीजें, कभी कांग्रेस के, आप दूसरी चीज देखिए, कभी देश में कांग्रेस से टिकट पाना इस बात की गारंटी होती थी कि टिकट केवल मिल गया तो वो चुनाव बिल्कुल जीत समय गया, बदला तो सियासी समीकरण बदल गए। तो कांग्रेस को भी अभी सोचना पड़ा कि हम चले सियासी समीकरण बदलने की बात हो रही, तो रतन सेन जी आपसे जानना चाहेंगे, सपा ने दूरियां बढ़ाने के संकेत दिए कांग्रेस से, महागठबंधन के जो तमाम सपने थे वो यहाँ पर थोड़े टूटते नजर आ रहे, तो क्या माना जाए ऐसे में बीजेपी जो अब कांग्रेस पर हमलावर हो रही है? देखिए बीजेपी के पास शैलेंद्र जी सच में कोई मुद्दा नहीं है, इनको धोखे की राजनीति करनी है, इन्हें अविश्वास की राजनीति करनी है। देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि आप जैसे कोई भैंस बेचने के लिए अगर कोई ग्राहक बुलाए और उसे पड़वा पकड़ा दे शाम को अंधेरे में, तो वही हालत है बीजेपी की। ये बता रहे हैं कि ये विकास की राजनीति करेंगे और फिर
चुनाव लड़ने जाते हैं तो उधर गुजरात में मोदी जी चिल्लाने लगते हैं कि भाइयों बहनों अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। वो एक बार भी नहीं कहते हैं कि भाइयों बहनों मैंने आपका डेवलपमेंट किया है इसलिए मुझे वोट दीजिए। योगी जी देखिए मध्य प्रदेश गए हैं, जो शिवराज सिंह चौहान अमेरिका में चिल्ला करके आए कि अमेरिका से ज्यादा अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश में बनी है, योगी जी क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं कि भाइयों बहनों यहां पर अमेरिका से ज्यादा अच्छी सड़कें बनाई हैं शिवराज जी ने, इसलिए नोट दे दीजिए। ये दरअसल पूरी तरह से भैंस को दिखा करके पड़वा बेचने का काम कर रहे हैं, धोखा इनकी प्रवृत्ति है। भरत जी ने साफ साफ कहा है, शैलेंद्र जी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए भरत जी ने रामचरितमानस में कहा है कि कारण कवन नाथ नहीं आयो जान कुटिल किध मोहि बिसरायो। भगवान राम जो है भरत को मिलने नहीं आए जल्दी से तो वो सोचे कि मुझसे कोई गलती हो गई। आज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की यही हो गई है, इन्होंने राम मंदिर बनाया नहीं, इन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का 7 सितारा कार्यालय बना दिया, तो जो राम का दर्शन था जो राम का रास्ता था उसे छोड़ करके इन्होंने रावण का रास्ता पकड़ लिया। तो राम का रास्ता छोड़ के आराम का रास्ता तय कर हुआ है। पीयूष जी ठीक है, हम समझ गए। पीयूष जी आप बताइए, आप क्या यहाँ पर योगी सीएम योगी का चेहरा देखकर आप साथ आए थे या विकास देखकर आए थे? हमारा जो गठबंधन था वो हुआ था विकास के मुद्दों पर। तो क्या लगा डीएल होना मामला है? सुनिए, विकास तो भटक चुका है, जब जब चुनाव जैसे आ रहे नजदीक किसी न किसी मामले को भारतीय जनता पार्टी को तूल देना होता। अभी कल एक पिक्चर का ट्रेलर लॉन्च हुआ, सरकार में तो आप साथ बने हुए ना, इस तरह का सवाल आपने कभी उठाया तो नहीं? केवल ओम प्रकाश राजभरी बार बार कह रहे हैं। देखिए हम लोग हमेशा बात करते हैं शिक्षा की, समानता की, अधिकार की। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह बगावती हो रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, ब्लैकमेलर हो रहे हैं। तब वो भी शिक्षा और समानता की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जाते ही इस तरह की बात है क्यों? शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए, क्या नहीं, क्या उनका मानना है कि राष्ट्रीय छवि उनकी दूसरी है और यहाँ प्रदेश में दूसरी छवि बनाना चाह रहे हैं जी? क्या लग रहा है कि जिस तरह से वो जाते हैं, जब बाहर जाते हैं तो हिंदुत्व का मुद्दा उठाने लगते हैं, जब प्रदेश में आते हैं तो विकास की बात कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के नाम पर 3 बार में केंद्र में सरकार और 3 बार प्रदेश में बना ली। अरे भाई आपको रोका किसने है? लोकसभा में आपकी बहुमत है जी, और रही राज्यसभा की बात, आप अध्यादेश लाइए, कुछ भी करिए, बनाइए मंदिर, लेकिन आपको मंदिर नहीं बनाना है, आपको मंदिर के नाम पे लोगों का उल्लू बनाना है। और जब विकास की बात करनी होगी, पेट्रोल के दाम कीमतें कम करनी होंगी, आपको पेट्रोल बाइक की रैली निकालनी है। जब बात करनी होगी 1,59,000 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्तियों की और बच्चों के शिक्षा स्तर को सुधारने की, तब आपको मंदिर मंदिर करना है। बिल्कुल यही भटकाओ क्यों, ये जनता की भ्रम की स्थिति जाग रही है। आप बताइए बीजेपी विकास के मुद्दों से भटककर राम मंदिर के मुद्दों पर और दूसरे को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने से क्या मिलेगा, बताइए? आ रही है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि विकास की बात भारतीय जनता पार्टी के सिवा और कौन करेगा। आज हमने जो विकास किया है, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक हमने 36,000 किलोमीटर सड़क बनवाई 4.5 वर्षों में जी। जीरो टॉलरेंस, जिस दिन से मोदी जी ने शपथ ली जीरो टॉलरेंस हमने रखा भ्रष्टाचार पर। एक हमने सुशासन, आप बीच में बोलने मत दीजिए प्लीज, बीच में बोलिए, आप बहुत बोल रहे हैं, 15 मिनट का समय आपको मिला है, सपा को इतना समय मिलेगा तो फिर हम लोगों को बोलने का मतलब ही नहीं है। और कहानी हमें सुनाते हैं, हम सीधी सीधी बात करते हैं, आप चले डिबेट कर कराएंगे इनकी पूरी सरकार जो भ्रष्टाचार पे लखी हुई थी। अगर आप पूरे परिवार में लिखित एप्लीकेशन दिया है, आपने जीरो विकास बोलता है, भ्रष्टाचार बोल रहा है इनका, ठीक है अशोक जी, आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, वो खुद खामोश हो जाएंगे। आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, बता दीजिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप, विकास के मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप, हिंदुत्व की बात क्यों करने लग रहे हैं? कोई हाईकमान से यहाँ पे गाइड कर रहा है सीएम योगी को?
आपकी सरकार पूरे तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। अशोक जी सवाल तो यही है ना, सवाल यही है अशोक जी, ठीक है तो मैं पूछ रहा हूँ, इन्हीं गैस कनेक्शन की बात करिए ना, मंदिर और मस्जिद का कनेक्शन कहाँ से सामने आ गया? ठीक है रतन जी, हम समझ गए, हम समझ गए आपकी बात, समझ गए आपकी चिंताएं, हम समझ गए। ब्रजेंद्र जी आप बताइए, ठीक है आप आपस में लड़ते रहेंगे, जनता गुमराह होती रहेगी, हिंदुत्व का मुद्दा आ जाएगा सामने, फिर विधानसभा चुनाव में जमीनी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। भ्रष्टाचार हो रहा है हर मामले में, अखिलेश सरकार भ्रष्टाचार में रही है। अरे भैया पूरे तौर पर ठीक है, जनता आपको भी देख रही, जनता उनको भी देख रही, जवाब दे देगी जनता, ठीक है। लेकिन साढ़े तेरह करोड़ रुपया जवाब दे दीजिए, सीबीआई के डीआईजी ने साढ़े किलोमीटर, ठीक है एक बार ब्रजेंद्र जी को भी मौका दे दीजिए, ठीक है हम समझ गए, हम समझ गए, ठीक है ठीक है ठीक है, विकास की बात कर रहे हैं, मुझे उसका जवाब दीजिए, तब आप जाकर के बताइएगा कि वो भोले जाएंगे और चले जाएंगे, हम लोग सच में उनका झोला चेक करेंगे। नहीं ठीक है ठीक है, अशोक जी हम आपकी बात समझ गए, कांग्रेस को भी तो बोलने दीजिए, ठीक है राहुल पर हमलावर हो रहे हैं, हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है रतन जी हम समझ गए, ठीक है ठीक है, आप दोनों आप दोनों लोगों की बातें आ गई, ठीक है एक मिनट ब्रजेंद्र जी को भी बोलने दीजिए, ब्रजेंद्र जी आप बताइए विकास की बात नहीं हो रही है, क्या आपको लग रहा है? ठीक है आपकी बात आ गई, ब्रजेंद्र जी आप बताइए क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया का जवाब नहीं ढूंढ रही बीजेपी और यहाँ पर हिंदुत्व का पाठ पढ़ाकर किस तरह की तैयारी हो रही है? आधा मिनट में केवल बोलूंगा बस, जी बताइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है वही इस बात का प्रमाण है कि पांचों राज्य के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव स्वीप करने जा रही है जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में एक पैसे का काम नहीं, नहीं परिणाम की बात में चर्चा, अभी आपने बताया कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व से कहीं खतरा लग रहा, कहीं डेंजर में दिख रही बीजेपी, जिस तरह से मध्य प्रदेश भटकाने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा, सॉफ्ट हिंदुत्व और नरम हिंदुत्व, गरम हिंदुत्व की परिभाषा मीडिया की रची हुई है। आप बोल रहे थे श्रीमती इंदिरा गांधी वैष्णो देवी दर्शन करने जाती थी, पीतंबरा पीठ जाती थी, राहुल गांधी तो नहीं जाते थे ना, वो अचानक से क्यों परिक्रमा करने लगे? जानकारी नहीं है, बोला है 14 के पहले वो अयोध्या में गए, इसी अयोध्या में बात करिए, 17 के पहले अचानक परिक्रमा बढ़ गई ना, अचानक परिक्रमा बढ़ गई, इसलिए सवाल उठ रहा है, मीडिया को टेंशन है इसलिए आप उसे दिखा रहे हैं, कांग्रेस के सारे नेता सारे जगह जाते रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी उनका सवाल बहुत है, पांच पांच भर्ती रद्द हो गई, उनके विधायक अधिकारियों को पीट रहे हैं, पांच घटनाएं उत्तर प्रदेश में 3 महीने में हो चुकी, ठीक है अधिकारी काम नहीं कर रहा है, एक लाइन में बोलना चाहूंगा, गन्ना समय के हमारे पास कमी, समय के हमारे पास कमी है, तेजी से राहुल गांधी इंटर नहीं बढ़ पा रहा है, ब्रजेंद्र जी अशोक जी बता रहे हैं, ठीक है तो मंदिर मुद्दे पर मस्जिद, चलिए आखिरी 30 सेकंड अशोक जी आप अपनी बात रख दीजिए, अशोक जी आप बता सफाई दे दीजिए, आप आपकी जो क्यों का बात बढ़ा रहे हैं, बस आप ही बता दीजिए, आखिरी 30 सेकंड एक लाइन में बोल रहा हूं, जिस तेजी से राहुल गांधी हिंदू होते जा रहे हैं आने वाले कुंभ में वो नागा साधु बन जाएंगे, मैं देख रहा हूँ, देखिए ठीक है आने वाला वक्त बताएगा कि हिंदुत्व का मुद्दा किस तरह से हिलोरे लेकर सियासी समीकरण बदलता है, ठीक है हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, माननीय मोदी जी को भी आना चाहिए, 4.5 साल हो गए माननीय मोदी, विधानसभा चुनाव में जमीनी मुद्दों से भटकाकर हिंदुत्व के जरिए क्या कुछ यहाँ पर समीकरण साधना चाहते हैं, आखिर कांग्रेस किस तरह से लेगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज की डिबेट यही इशारा कर रही है कि अब हिंदुत्व की छवि को भुनाने की कोशिश की जा रही है, 2019 से पहले लिटमस टेस्ट किया जा रहा और ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए इस तरह के विधानसभा चुनाव में मुद्दे उछाले जा रहे हैं। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बीच मौजूद रहे, नमस्कार। वे घुटनों के बल बैठे तो पुजारी को बोलना पड़ा कि भैया ये मंदिर है मस्जिद नहीं है।